अस्सलाम वालेकुम, मैं वारिस अली सैयद। मेरे पे एक आसिफ उस्मान कपाड़िया ने कंप्लेंट लगाया था, ठीक है, एलटी मार्ग में। बाकायदा 25 तारीख 12वां महीना 2021 के दिन ये बोलता है कि मतलब वारिस मेरे को बचपन से जानता है, मेरी इज्जत करता है, ये तो सब पूरा वीडियो में मैंने रिकॉर्डिंग पब्लिश की थी। बाद में बाहर निकलते ही नीरव काकड़िया के साथ, जिसको यूनिट 2 ने उठाया है, जिसको अरेस्ट किया एक्सट्रोशन के केस में, हफ्ता वसूली गए पुलिस के नाम से, हफ्ता वसूलना, ये सब गुनाह में इसको अरेस्ट कराया था मैंने। मैंने मीन्स अपना जो वीडियोस वायरल की वो आदमी मैं ही हूँ, ठीक है। फिर मैं FIR करा रहा था 25/12 को, आसिफ कपाड़िया बराबर कितना बड़ा, देखो 5 लाख रुपये रवि से शायद लिया, जो भी XYZ, मेरे को उससे मतलब नहीं है, उसका भी सबूत दूंगा। उसके 2 दिन बाद एक जन को सुपारी देते हैं मेरी, ये और नीरव बराबर। ये बोलता है मैं नीरव को पहचानता नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास वीडियो एविडेंस है जिसमें इन लोग दोनों सामने सामने आए हैं, और LT Mark चौकी का हम लोग फुटेज निकालेंगे 25/12 का। उसमें सब 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 जितने ईमान के चोर, जितने BMC की भाड़ खाओ, रस्ते के गरीब के फकीर लोग के बेचारे लोग के रस्ते पे जो धंधा करते हैं ना, उनसे ही तुम लोग ले सकते हो, ठीक है। और पहली बात, मैंने पैसा मांगा, मीनास गवाह है, ठीक है, उसके घर पे तू हाथ पैर जोड़ रहा था भाई, बेशरम के पेट के, शर्म होती ना शर्म, एहसान फरामोश इंसान बोले तो तू समझा, रवि को बचाने के लिए तूने क्या नहीं किया, पैर पड़ा, हाथ जोड़ा, किसके बाप का पैसा लिया भाई, मैंने कोई का बाप का नहीं। और रही बात तेरा भाई आरिफ उस्मान कपाड़िया नाम के साथ बता रहा हूँ, मेरे को ये डाउट उसी दिन हो गया था जब तू अहले कदूरी हॉल के पास, फिर अपना अल्लाह नहीं की देवे तो किधर मीटिंग कर रहा था, याद है ना, कि वारिस का नेटवर्क कितना हाई है। अबे नेटवर्क नहीं, इज्जत हाई है, समझा, तेरे ऐसे भाड़का और जकात फितरे के पैसे खाए होते ना तो गांडू ऐसे नहीं होते हम। और एक कंप्लेंट डालना भी, डजन डाल, मेरे को कुछ फर्क थोड़ी पड़ता, किसी के बाप का नहीं खाता मैं, मेरे बाप का खाता हूँ। लकड़ा वाला का कौन कितना है ना, अंदर और बाहर, किससे लिया प्रॉपर्टी, लकड़ा वाला, हाँ लकड़ा वाला। अब बताता हूँ एजाज लकड़ा वाला का बाप कौन है, एंटी एक्सट्रूशन सेल, एजाज लकड़ा वाला का बाप, ओके। तेरे मुंह से नए लकड़ा वाला वाला शब्द मैंने दिया तो भिनचोद मेरे नाम में फ़र्क कर देना। और रही बात ईमानदारी की और बेईमानी की, तू बोलता है कि BMC की कंप्लेंट करने की धमकी देता हूँ, तेरी नाना मेडिकल तूने खुद बता दिया मेरा भाई, नाना मेडिकल तेरी है, तू बोलता है ना, किसकी है तेरी मेरी क्या, वकफ की प्रॉपर्टी है, समझा, नियाज होनी चाहिए वो पैसे से, तुम लोग साले वो खाते हो, नियाज नजराने के पैसे खाते हो, शर्म कर बे, तू मेरे को देगा पैसे, गांडू एहसान फरामोश, तेरे बेटे का एडमिशन कराने कितना 3.5 लाख रुपए लगता था 50% में, याद आया हम लोग, मैं तो मेरी जिंदगी में पहली बार बोल रहा हूँ ये चीज, समझा, जब भी तेरे से 350 रुपये नहीं लिया मैंने, बोलते ना असल से खता की और नस्लों की वफा की भी तुम लोग में कमी है, नस्ल में वफा होनी चाहिए पागल, खून में ना खून में, इंसान के हराम और हलाल दोनों रहता है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, किसी के बाप से नहीं डरता, कल भी अकेला घूमता था आज भी अकेला घूमता हूँ। तेरे मोइन ने क्या बोला, क्या करेगा, पीछे आके मारेगा, अबे उठना भारी हो गया था, भूल गया, भड़काओ साला, पैर पड़ते हो, माँ की चूत ऐसी जिंदगी की भेड़ चोत, किसी की भड़कावे, तू मेरे को देगा पैसे, किससे, अनवर से मंगा है, अनवर तेरा चचेरा भाई है, कौन सा चचेरा भाई है अभी बताना RTI में जवाब में, बराबर कौन सी BMC की कंप्लेंट दिया, अंडरवर्ल्ड से किसका संबंध है मैं बताऊंगा, ठीक है। अबे उन लोग का भी ध्यान दे, मेरे को अच्छा नहीं लगता बोलने, खैर तू तेरी कोशिश किया, तेरा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अब तक तो एक भी एलिगेशन नहीं किया था मैंने, चेक कर ले चाहिए तो हिस्ट्री उठा के। अब तेरा बोलते ना साथीदार नीरव काकड़िया गया, गया मतलब समझा ना, गया GPL गांड पे लात, बराबर, अब तू क्लियर, सोहेल फिर क्या नाम था उत्तों का, जो भी XYZ साले हराम के खाने वाले, रस्तों के पसीने बेचारे गरीब लोग के सूखते है, उसका कहते हो तुम लोग, शर्म करो, औलाद भी निचले हराम पैदा होंगी, ऐसा खाएंगे पैसे तो, थुत तुम्हारी जिंदगी को, लानत है ऐसी जिंदगी पे।
और ऐसे 12 मारेंगे फ्लैट पे। बताना ना, मैं आईटी डिपार्टमेंट में नहीं लेके खड़ा रही हो तो बोलना किसकी प्रॉपर्टी क्या है। मैं बताता हूँ ना, माहिम वाली चुराडिया कंपनी 93 के बम ब्लास्ट में कौन था ना, एक चुराडिया, ये चेक कर ले, चेक कर रिकॉर्ड उठा के, नहीं है तो मेरे पास आ जाना बे, मैं तो कहाँ रहता हूँ तेरे को तो मालूम है। अबे मेरे नाम पे कंप्लेंट लिखाने वाला तू पहला आदमी है बे। खैर तू पैसे 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 की बहुत करता है ना, मैं देखता हूँ तेरा पैसा तेरे को कैसा बचाता है, मैं भी तो देखूँ। अंडू कानून के आगे कोई पैसा नहीं है, और हर एक तेरे इल्ज़ाम पे हर एक का डिफॉर्मेशन केस देख लेना, 2 साल की सज़ा, ये मेरा वादा है। अच्छा खासा टाइम तेरे को जेल में ही रखूँगा, और मैं मेरा भाई तेरे से 15 मिनट पहले कोर्ट में हाजिर रहूँगा तारीख पे, बेफिक्र, प्रॉमिस।